गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की आवश्यक बैठक गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में प्रशासनिक भवन के कमेटी हॉल में संपन्न हुई। बैठक में कुल सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर राजवंश राव सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में स्नातक एवं प्रास्नातक प्रथम वर्ष 2020-21 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथियों पर विचार किया गया तथा प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षक की नियुक्ति, शिक्षक कर्मचारियों जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई उनके पालियों को कर्मचारी पाल लाभ देने, COVID-19 के दृष्टिगत प्रवेश परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए आवश्यक गाइडलाइन एवं दिशा निर्देश सहित अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि परीक्षा को पूर्णतया कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संचालित किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रवेश पत्र का वितरण ऑनलाइन किया जाए जिससे कोरोना महामारी का इस प्रवेश परीक्षा पर असर न पड़े और प्रवेश परीक्षा को सकुशल संचालित किया जा सके। प्रवेश समिति की बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय का स्वागत है और बैठक में सहयोग प्रदान करने वाले हमारे सभी कर्मचारी एवं अधिकारी के लिए प्रस्तुत करना पहला बिंदु है। स्नातक एवं परास्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की तिथि का विचार है। अब हम ये सितंबर लास्ट वीक से लेके अक्टूबर फर्स्ट वीक और उसके बाद विभिन्न तिथि अनुमोदित कराऊंगा क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोर डिसिप्लिन में लड़के भरे रहते हैं तो वो चार्ट बनाना पड़ेगा कि किस किस कॉम्बिनेशन के एक होगा और किस किस कॉम्बिनेशन में लड़के दो दो में दोनों में कोई लाभ बढ़ता है और फिर और भी चीज़ें बढ़ देता है तो इसलिए हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का आप लोगों से अनुरोध है कि सितंबर लास्ट वीक से लेके और अक्टूबर फर्स्ट वीक के मध्य में सारा करूँगा सितंबर को हम संस्कार को लेकिन बाकी उनकी अगर लड़की लड़कियाँ हैं तो उनको जो है लाभ कर कर्मचारी का जिसकी या शिक्षा की डेथ हो गई है उनका पार्लियामेंट्री वो समझा उनको